गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट असाइनमेंट 5.6। आज हमें दो एक्सरसाइज करनी है 5.6 एंड 5.7। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये आप ऑलरेडी सेवन्थ क्लास में कर चुके हैं। लाइक हमें वेरिएबल्स को अलग करना होता है और कॉन्स्टेंट नंबर्स को अलग करके वैल्यूज निकालनी होती है। ये माइनस में है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2, आपने इसका एलसीएम लिया, नीचे इसका एलसीएम क्या आ गया, 2, एंड देन बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग 1+1 इज 2/2। सो 2/2 कट करके हमारा क्या आ गया, 1। सो हमारी ऑप्शन इसमें कौन सी करेक्ट है, डी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें, हमने आपको क्या कहा था कि वेरिएबल्स अलग करने हैं और कॉन्स्टेंट्स अलग करने हैं। यहाँ पे इसमें भी वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे भी वेरिएबल है एक्स, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ 2x/3 माइनस 3x/7। इसका एलसीएम लिया 21, एंड अगेन देन 3 7 जा 21, 7 2 जा 14x, माइनस 3 3 जा 9x। 14x माइनस 9x इज 5x/21 इज इक्वल्स टू 15/63। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइक वी हैव नाउ इन कॉमन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट, हमने क्या करना है, वेरिएबल्स अलग करने हैं और कॉन्स्टेंट्स अलग करने हैं। जब भी हम एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, वी आर चेंजिंग द साइन। माइनस इज चेंज्ड इन प्लस, प्लस इज चेंज्ड इन माइनस, मल्टीप्लाई इन डिवाइड एंड डिवाइड इन मल्टीप्लाई। सो हेयर इट इज 7x-2 इज इक्वल्स टू 5x+9। सो कैसे करेंगे आप, ये प्लस में है यहाँ पे आके माइनस हो गया, ये माइनस में है यहाँ पे आके प्लस हो गया। 2x=11, ये मल्टीप्लाई में है 2, और यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड। सो दिस इज 11/2। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 2/3 × 4x-1 माइनस 4x-1 माइनस 3x/2 इज इक्वल्स टू x-7/2। सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट। 2 4 जा 8x माइनस 2 1 जा 2 माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो यू कैन राइट इट डाउन 1। एलसीएम लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू x-7/2। सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर्स को सॉल्व किया, एंड देन यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल्स के साथ लिखना है, कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट्स के साथ लिख कर कटिंग कर देनी है। हेयर इट इज़ -40x = -40, सो x = -40/-40। आप इसको अच्छे से एक बार रीड कीजिए, देखिए ध्यान से। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता, देन यू कैन रिंग अस एंड आस्क द क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू असाइनमेंट 5.7। इसकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने आप करने हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड। क्या लिखा है इसमें, 10 added to thrice अ होल नंबर गिव्स 46, फाइंड द नंबर। पहले जो फाइंड करना है आपने, फाइंड द नंबर, उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। लेट द होल नंबर इज एक्स। आगे क्वेश्चन में क्या है, 10 added to thrice अ होल नंबर, तो थ्राइस अ नंबर क्या आएगा, 3x, थ्राइस हो गया ना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। 10 added to thrice अ होल नंबर इज इक्वल टू विच गिव्स 46, तो इज इक्वल टू 46। देन दिस इज 3x = 46 माइनस 10, 3x = 36, x = 36 / 3 = 3 1 3 3 2 6, x = 12। तो हमारा जो होल नंबर हो गया वो क्या आ गया, 12। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकेंड है वो आपने अपने आप करना है, उसका मैं हिंट दे देती हूँ। क्या बताया है इन्होंने, फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन इट इज डबल्ड एंड 11 added to it द रिजल्ट इज 27। इसका हिंट क्या होएगा, फाइंड द नंबर। तो नंबर सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या किया था, लेट द नंबर, सेम इसमें हम करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओके, सच दैट व्हेन इट इज डबल। नाउ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होगा, व्हेन इट इज डबल, क्या x, जब x क्या होगा, दिस इज डबल्ड एंड
11 एडिड टू इट द रिजल्ट इज 27। अब इसको आपने सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन फोर्थ। टू नंबर्स डिफर बाय 5। इफ देयर सम इज 19 देन फाइंड द टू नंबर्स। नाउ लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 5। टू नंबर्स, नंबर्स कौन से, एक्स एंड वाई। डिफर मीन्स माइनस बाय 5। फर्स्ट इक्वेशन, इफ देयर सम किसका, एक्स एंड वाई का सम इज 19। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। तो इन दोनों में से क्या कर लेंगे हम, वी विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। नाउ लेट्स टेक आउट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो क्या आया, एक्स इक्वल टू 5 प्लस वाई। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड ये वाली। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 19। ऑन द प्लेस ऑफ एक्स क्या आएगा, 5 प्लस वाई प्लस ये वाला वाई इक्वल टू 19। क्या आया, 5 प्लस 2y इक्वल टू 19। देन 2y इक्वल टू 19 माइनस 5y इक्वल टू 14 बाय 2 7। y इक्वल टू 7 और x क्या, अब y हमारा आया 7, y इक्वल टू 7। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या थी, 5 प्लस वाई। तो ऑन द प्लेस ऑफ वाई, वाई की वैल्यू आ जाएगी 7, एक्स इक्वल टू 12। एक्स आ गया 12 एंड वाई आ गया हमारा। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ इज, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट द ग्रेटर नंबर एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर मेक्स अ टोटल ऑफ 53। ओके, कंसेक्यूटिव नंबर्स, अब टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स एक्स एंड एक्स प्लस 1। दो नंबर हो गए कंसेक्यूटिव, कौन से होते हैं, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ऐसे आगे आगे ये जाता जाएगा 1 2 3 4, ये फोर्थ। तो इसके कौन से, द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो हम क्या, फर्स्ट टू नंबर्स ये वाले ले लेंगे, सच दैट द ग्रेटर नंबर एडिड टू 3 टाइम्स। टू नंबर्स ये हो गए हमारे पास, अब इनमें से ग्रेटर कौन सा हुआ, x प्लस 1। क्या है, ग्रेटर नंबर एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर मेक 53। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना। ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन, फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 183। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से बताए थे मैंने आपको, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हुए, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब क्या बताया, व्हाट इज देयर इन इक्वेशन, फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स whose sum, sum means plus, then x, x plus 1, x plus 2, sum kya aega, 183, now this up to you. 7th, find a number such that when it is added to 2/3 of itself, the result is 70, find the number, let the number x, now according to equation, क्या है according to equation, find a number such that when it is added
व्हेन इट इज एडेड, इट व्हाट एक्स व्हेन इट इज एडेड किसमें, टू थर्ड टू बाय थ्री, टू थर्ड ऑफ इट्सेल्फ क्या आएगा 70. नाउ सॉल्व इट, थ्री एंड वन का एलसीएम दैट वो क्या आएगा 3, देन 3x प्लस 2x बाय 3 इज इक्वल टू 70, 5x बाय 3 इक्वल टू 70, 5x इक्वल टू 70 इंटू 3x इक्वल टू 70 बाय 3 इंटू डिवाइडेड बाय 5. नाउ सॉल्व इट. Now we are going to start question 8. Equation is 4 times a certain number is as much less than 60 as 7 times a number is greater than 61. Find the number. Same like others, let the number is equal to x. Now according to equation, kya hai? 4 times a certain number. 4 times means multiply by 4 is much less than 60, and another is 7 times is greater than 61. अब इसको equal करने के लिए हमें क्या करना है, we have to imagine one more number. Let another number y, तो 4x में इसको इसकी 60, 4x को 60 की इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समथिंग हैव टू ऐड 60, एंड इसको 7x इज ग्रेटर देन 61, ग्रेटर मीन्स अगर इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो ही ये 61 के इक्वल होगा. नाउ यू हैव टू इक्वेशंस एंड सॉल्व इट. दिस इज 9th क्वेश्चन. The difference between 3/4 and 3/5 of a number is 15. Determine the number. Same, let the number x. The difference between, difference means minus. Difference between 3/4. Difference means minus 3/5. 3/5 number is 15. Now take LCM. इसका 4 and 5 का LCM क्या आएगा 20. 5 threes are 15 minus 4 threes are 12x equal to 15. Cross multiply. Difference क्या आएगा 3x by 20. Then 20 इधर जाके हो जाएगा multiply में 20. Then x equal to 15 into 20 by 3. 3 divide by 20, 5 3 is a 15, x equal to 5 2 is a 10, 100. Number kya gaya? 100. Okay. Now this is 10th question. 10th question kya hai? The perimeter of a rectangle is 30 meter. Perimeter of rectangle kya hota hai? Perimeter of rectangle ka formula kya hota hai? 2 L plus B, length plus width, length plus breadth. तो if its length exceed its breadth by 3 meter, find the length. Okay. क्या था, if its length exceed, अगर इसकी, now according to equation, अगर इसकी length है एक्सीड करे, देन व्हाट वी विल राइट, लेट द लेंथ, लेंथ क्या आएगा एक्सीड मीन्स प्लस एक्स प्लस थ्री, और ब्रेथ क्या आएगी एक्स, लेंथ क्या आई एक्स प्लस थ्री एंड ब्रेथ क्या आई एक्स, और ये हमारी लेंथ है ये ब्रेथ है. पैरामीटर में कैसे आएगा इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ प्लस विड्थ एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स क्या होगा, ये इक्वेशन में क्या था
रेक्टेंगल इज 30 मीटर इज इक्वल टू 30, तो क्या आया 2x प्लस 3 इक्वल टू 30। आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व इट ईजीली, 3 15, 2x प्लस 3 इक्वल टू 15। नाउ सॉल्व इट, टेक आउट द लेंथ एंड विड्थ। ओके 11 सम, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ इफ इट्स पैरामीटर इज 60 मीटर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ इफ इट्स पैरामीटर इज 60 मीटर, देन फाइंड इट्स लेंथ। ओके लेट द लेंथ एल, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एल क्या गिवन है, लेंथ लेंथ इज ट्वाइस ट्वाइस ऑफ विड्थ। तो हमारे पास इसका जो पैरामीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b इक्वल टू दिया क्या हुआ है 60, देन ऑन द प्लेस ऑफ l हमने 2b फिल कर दिया, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन, b की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास लेंथ आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी थी, वो क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। 12th क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बाय 3 साइड्स दिए x 2x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2, इफ इट्स पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर देन फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल साइड्स दिए हैं जो अभी देखी हमने, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या आएगा, पैरामीटर इज 30 गिवन है, इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, साइड प्लस साइड इक्वल टू जो गिवन है 30, देन सारी साइड्स हमने लिख दी एक्स 2x प्लस 2 3x माइनस 2, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 5x। तो ये तो हमारी आ गई एक साइड, हमने निकालना क्या है द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए हमें तीनों निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू यहाँ ऑन द प्लेस ऑफ x फिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास दो और साइड्स आ गई, एक आई 12 सेंटीमीटर एक आई 13 सेंटीमीटर, तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी हुई 5, तो स्मॉलेस्ट क्या आ गई 5 सेंटीमीटर इज आर आंसर। नाउ क्वेश्चन 13, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 15 मीटर एंड एरिया 165 स्क्वायर मीटर। लेंथ गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है एल इंटू बी, तो गिवन क्या है 165, लेंथ हमें गिवन थी 15, तो हमारा इससे क्या आ गया ब्रेथ आ गई दैट इज़ 11 मीटर, यही हमने फाइंड आउट करना था। नाउ 14th सम हिंट इज गिवन इन योर बुक, सो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ, कम ऑन क्वेश्चन 15th, सुधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। ओके मीन्स जो सुधा है उसकी एज डबल है अपने ब्रदर से, मीन्स पहले ब्रदर की एज पता होनी चाहिए हमें फिर ही सुधा की एज पता चलेगी, देन लेट द एज ऑफ ब्रदर एक्स, नाउ प्रेजेंट एज, अब इन्होंने लिखा क्या है जो बुक है उसमें क्या दिया हुआ है, जो सुधा की एज है दैट इज डबल ऑफ हर ब्रदर, ब्रदर की एक्स है तो सुधा की हुई 2x। ओके देन 3 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पहले, जो 3 साल पहले की एज थी सुधाज एज वॉज 3 times ऑफ हर ब्रदर्स एज, ब्रदर की एज एक्स है तो सुधा की क्या हुई 3x। ना 3 ईयर्स पहले की बात हो रही है तो अब वाली एज में से माइनस 3 हो जाएगा, 3 साल माइनस हो जाएंगे, देन सम ऑफ दिस, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 6, ये हुई इन दोनों का सम करने पे 2x प्लस x, ये फर्स्ट इक्वेशन दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख के हमारे पास ब्रदर की एज आ गई x इक्वल टू 6, ब्रदर की एज आ गई तो सुधा की एज भी आ जाएगी, सुधा की एज क्या है 2x, देन ऑन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट 6, देन दिस इज 12, सुधा की एज क्या आ गई 12 ईयर्स। कॉमन क्वेश्चन 16, सविता हैज ₹27 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, शी हैज़ ट्वाइस एज मैनी 25 पैसे कॉइन एज शी हैज़ 50
पैसे कौन। ओके दिस इज द इक्वेशन, रीड योर सेल्फ इन योर बुक। लेट मी सी द क्वेश्चन 16 सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे क्या हुआ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो फर्स्ट टर्म आई दैट इज 50x। अब जो इक्वेशन दिया उसमें क्या दिया था कि जो 25 पैसे हैं दैट इज ट्वाइस एज 50। तो इसका 25 का डबल क्या होएगा, 2 × 25x। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या हुआ, 50x + 50, ये वाला x है 25 पैसे वाला, दिस इज ऑफ 50 पैसे इक्वल टू 27। अगर ओनली 27 लिखते हैं तो 27 हमें क्या दिया हुआ, रुपीज़, और जो बाकी टर्म्स है वो दी हुई है हमें पैसे में। तो 27 को भी रुपीज़ में पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 हो गया। तो इससे हमारे पास क्या आ गई, एक्स आ गई, मीन्स जो हमारे पास जो 50 पैसे है उसकी वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई हमारे पास कि 27 कॉइन्स है हमारे पास। देन अब इक्वेशन में देखो, शी हैज़ ट्वाइस एज मैनी 25 पैसे, देन जो हमारा आंसर है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। देन जो 25 पैसे हैं वो कितने कॉइन्स हैं, 54। नाउ कम इन क्वेश्चन 17th। 17th में क्या है, राकेश थॉट अ नंबर, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। देन हिंट बताती हूँ, नेक्स्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। लेट द नंबर थॉट बाय राकेश, क्या नंबर उसने सोचा, एक्स। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, थ्राइस ऑफ अ नंबर, थ्राइस ऑफ अ नंबर एडेड 15 इज इक्वल टू 60। देन सॉल्व इट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 18th, डिवाइड द शेयर 100 बिटवीन ए एंड बी। देन लेट द शेयर ए एक्स एंड लेट द शेयर ऑफ बी इज वाई। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स प्लस वाई, शेयर को डिवाइड करना एक्स एंड वाई में, मतलब शेयर ऑफ ए एंड बी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड में क्या दिया हुआ है, सच दैट ट्वाइस ऑफ एज शेयर, ट्वाइस ऑफ एज शेयर, ए का जो शेयर है दैट इज डबल, डबल होके लेस है किससे, बी के शेयर से, बी के जो 3 times शेयर से हो गया। देन तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3 − 2x, तो ये इक्वल 200 होगा क्योंकि जो 200 का शेयर है इसमें डिवाइड करना। तो हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, −2x + 3y = 200। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आई, 100 − y, यहाँ से 100 − y आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट ऑन द प्लेस ऑफ एक्स हमने लिखना क्या है, 100 − y। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया 2y, एंड y क्या आ गया हमारे पास 80। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 80y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में 80 पुट करने पे हमारे पास क्या x की वैल्यू क्या आ गई, 20। ओके नाउ विच क्वेश्चन इज 19th, दैट इज सेम एज क्वेश्चन 15th, दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ।